दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आपने देखा होगा कि जगह जगह आधार एटीएम लगा हुआ रहता है। आपके मन में चलता होगा कि यार ये आधार नंबर से पैसा कैसे निकालते हैं लोग। आपने जगह जगह पर देखा होगा आधार एटीएम का यूज़ करते हुए, या तो आपने भी अंगूठा लगा के किसी के पास से पैसा निकाले होंगे। तो आपके मन में ज़रूर चलता होगा यार ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, कैसे कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता नहीं रहता है। आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या करें वो लोग, क्या करते हैं वो लोग। आधार देकर अंगूठा पैसा देकर खुद भी कमाई करते हैं, लोगों को भी हेल्प भी करते हैं, तो उसका काम आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपने आधार नंबर से अंगूठा लगा के APS आधार APS सर्विस की मदद से आप कैसे पैसा को विथड्रॉ कर सकते हैं। या तो आप अपना अकाउंट से कर सकते हैं, या तो आप दूसरे के अकाउंट पे कर सकते हैं। अगर आपका दुकान है तो आप दूसरों को भी पेमेंट दे सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय पूरा करके दिखाऊंगा कि आखिर कैसे आधार नंबर से पैसा निकाला जाता है अंगूठा लगाकर। अपने अंगूठा लगाकर निकाला होगा ना, तो वही इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लोग निकालते हैं और आप कैसे दूसरों को निकाल दे सकते हैं। आप खुद सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। चलिए मैं मोबाइल के स्क्रीन पर चला जाता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है, कौन सा ऐप यूज करना है, कौन सा वेबसाइट यूज करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आधार ATM यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक प्राइवेट कंपनी मिलेगा और एक सरकारी कंपनी मिलेगा। सरकारी वही होता है जो CSE सेंटर वाले यूज करते हैं। उसके लिए एक DigiPay का एप्लीकेशन आता है। चलिए मैं आपको सारे डिटेल आपको प्ले स्टोर पर जाकर ही बता देता हूँ कि आपको कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको यूज करना है। तो अगर आप गवर्नमेंट वाला यूज़ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वाला के लिए आपको CSE का यूजर ID होना चाहिए और उसमें आपको बैंक मित्र बनना चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता है। ये CSE का यूजर ID है वो इस एप्लीकेशन से, यानी कि आप वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हो और ऐप के मदद से भी कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से आप ऐप आपको मिल जाएगा, और अगर आपके पास सिस्टम है तो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यानी कि CSE का वेबसाइट पर जाना। लेकिन ये आपके पास तो होगा नहीं। आप चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप प्राइवेट कंपनी का ये कोई भी आसानी से कर सकता है। कहीं पर आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको 1000 रुपये या 500 रुपये लग सकते हैं यूजर ID पासवर्ड का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्राइवेट कंपनी का कैसे यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको आधार ATM लिख के सर्च कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने ऊपर पर लिखा आधार ATM। जब लिखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग देख पा रहे हैं नज़र आपको यहाँ पर आएंगे। जैसे कि हो गया आसपास मनी, हो गया paynearby, हो गया और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे यहाँ एप्लीकेशन है तो आपको मिल जाएंगे ये, यानी कि इसे आप आसानी से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं रजिस्टर करके। लेकिन इसमें आपको 1000 रुपये देना पड़ता है प्राइवेट कंपनी का। तो दोस्तों सबसे बेस्ट मुझे अभी तक जिसके यूज होता है वो है paynearby। जी दोस्तों, paynearby रिटेलर आधार ATM मनी ट्रांसफ़र, और दूसरा नंबर है आसपास मनी। ये दोनों एप्लीकेशन वो है जिसके मदद से आप आधार ATM निकाल सकते हैं बिल्कुल इस तरह जो है नहीं अंगूठा देकर। मैं अभी करके बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ paynearby का, क्योंकि मैं paynearby के बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। जब आप paynearby को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बस स्वाइप करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, चाहे आप रजिस्टर किए हो या ना किए हो। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। दोस्तों जब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, आपका मोबाइल नंबर तो यहाँ पहले से रजिस्टर नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप paynearby के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपना पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, अपना लोकेशन, अपना नाम हो गया, अपना यानी कि अपना जो डिटेल है वो पूरा डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, रजिस्टर होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि जो इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो खोल के आ जाएगा, लेकिन वो चालू नहीं होगा। चालू होने के लिए आपको KYC करना पड़ेगा। चलिए मैं उसका डिटेल आप लोगों को पूरे डिटेल में ही बता देता हूँ। चलिए मैं अपना यहाँ पे ID मोबाइल नंबर डाल के, ये मैंने दूसरे का मोबाइल नंबर डाला है। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है जो मैं paynearby यूज़ करता हूँ उसका मैं डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल रखा है। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है, मेरे पास अभी एक OTP आएगा तो मैं इस OTP को यहाँ पर डाल लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर OTP आ गया है 5326 93, तो मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया। चलिए मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, चलिए मैं देखता हूँ।
तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल लॉगिन हो रखा है। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं अब यहाँ पे आप उन लोगों को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे सर्विस हैं। मनी ट्रांसफ़र आपको मिल रहा है, देखिए आधार ATM है, ये सर्विस है आधार ATM यहाँ पे। लेकिन जब आप रजिस्टर करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास पेंडिंग लिखा आएगा। आपको जब रजिस्टर फॉर्म साइन अप करने के बाद, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बताया, उसके बाद यहाँ पे आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा आपको, तो इनसे कॉन्टैक्ट करवा के KYC करवा लीजिएगा। ये 10-15 दिन में चालू आपका सर्विस हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप यहाँ से आधार ATM से पैसा कैसे निकालता है, जिसके लिए आपने ये वीडियो अभी तक देखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ से। दोस्तों मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट यहाँ पे कर दिया। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से आधार। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिस्टम है तो आप paynearby.in यानी कि वेबसाइट पर जाकर भी ये सारा काम करते हैं जो वो लोग करते हैं। और ये फ़ोन आप अगर एप्लीकेशन के अंदर से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आधार ATM का ऑप्शन मिल रहा है, आधार ATM पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना डिवाइस चूज करना है। यहाँ पे डिवाइस किस कंपनी का है, जैसे कि मेरे पास मिंत्रा का है, आपके पास मार्फो का भी होगा, यानी जिस कंपनी का आप है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको RD सर्विस इंस्टॉल करना पड़ता है प्ले स्टोर से, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने मिंत्रा वाला ऑलरेडी से प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पर अपने आप रिडायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है अगर आपके पास मार्फो का है, और अगर आपका मिंत्रा का है तो आपको मिंत्रा के लोगों पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आ जाएगा। तो चलिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर में आप आधार नंबर लिखिएगा, जो भी आधार जिस भी कस्टमर का आधार नंबर है यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर लिखिएगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों आधार लिंक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि आपका बैंक किस कंपनी का है। तो यहाँ पे आपको A to Z बैंक मिल जाएगा, आपका बैंक जिस भी कंपनी का है और यहाँ पे उसे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मेरा बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको अमाउंट पूछ रहा है कि आप कस्टमर के अकाउंट से कितना पैसा यानी कि विथड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 100 रुपये डालना ही पड़ेगा, यानी कि 100 से आप जितना 100 200 1000 5000 10000 जितना डालना चाहते हो उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 100, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर डालना है, ये किसी का भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे किसी का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। दोस्तों हर कंपनी के चाहे आसपास मनी आप यूज़ कर रहे हो या किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, सारे का यही ऑप्शन आता है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कस्टमर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, कस्टमर का अंगूठा यहाँ पे लगाइएगा। जैसे कि मैं यहाँ अपना डाल देता हूँ। अंगूठा डालने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सक्सेसफुल अगर सही रहेगा तो आपका पैसा यहाँ पे, जैसे कि मेरा सही यहाँ पे नहीं लिया तो ये यहाँ पे लिख रहा है अनेबल टू रिट्राई करता हूँ। दोस्तों किसी कारणवश यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, जैसे कि नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ। कभी कभी सर्वर डाउन रहता है, इस कारण से नहीं हो पाता है। चलिए मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाएगा आपका पैसा है वो यहाँ पे। जैसे कि मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो मैं बैक हो जाता हूँ। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका जो पैसा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर में देख पा रहे, ऊपर में ट्रेड बैलेंस का ऑप्शन मिल रहा है और वॉलेट बैलेंस, तो ट्रेड बैलेंस में यहाँ पे आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मूव टू बैंक है, अगर इस पर मूव टू बैंक कर देते हो यहाँ पे अमाउंट डाल के, तो ये आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चल जाएगा। ये आपको रजिस्टर करते समय अपना बैंक अकाउंट सब कुछ किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा, अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे अपना आधार, जैसे कि यहाँ पे फोन और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और उसी तरह ठीक है। अगर यहाँ पे देखते बैलेंस भी चेक होता है या नहीं होता है, कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण ये काम नहीं करता है। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि शायद कोरोना की वजह से ना ही विथड्रॉ हो पा रहा है ना ही बैलेंस चेक हो पा रहा है, लेकिन आप ये बैलेंस इंक्वायरी की इसी यही तरीका यहाँ पर डिटेल डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी है वो डिटेल यहाँ पर सामने आ जाएगा। अंगूठा लगाइएगा कस्टमर का, उसके बाद आपका पैसा यहाँ ट्रेंड वॉलेट में ऐड हो जाएगा, कुछ कमीशन भी मिलता है। यानी कि बहुत सारा सर्विस यहाँ पर है, जैसे माइक्रो ATM है, अगर माइक्रो ATM लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर हैं, डेटा कार्ड है, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरीके से वो लोग करते हैं, मैं यहाँ पे मोबाइल करके दिखा रहा हूँ। आप इसका वेबसाइट भी है पेनियर बाय, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो
तो इससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आपको संपर्क कर लूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी अकाउंट से आधार नंबर के जरिए से पैसा निकाला जाता है, बस इस वीडियो के जरिए से यही बताना था।